दोस्तों पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद गहरा हो गया है। ये विवाद काला पानी और लीपू लेक को लेकर है। नवंबर 2019 में भारत के गृह मंत्री द्वारा जारी किए गए एक नए नक्शे में काला पानी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया था, जिस पर नेपाल अपना दावा करता है। इस कदम से नेपाल सरकार खासा नाराज हो गई। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था, जो लीपू लेक दरे पर समाप्त होती है, जिस पर नेपाल सरकार द्वारा आपत्ति जताई गई। इतनी आपत्ति हो गई कि नेपाल सरकार ने भारत को वायरस तक कह दिया। और दोस्तों इन सब के बीच अब एक्ट्रेस मनीषा कोराला का रिएक्शन सामने आया है। मनीषा कोराला का जो ट्वीट था वो काफी संवेदनहीन कहा जाएगा। किस तरीके से, पहले आप ट्वीट की भाषा को पढ़िए, समझिए। मनीषा कोराला ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा, थैंक यू फॉर कीपिंग द डिग्निटी ऑफ अवर स्मॉल नेशन। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल डायलॉग बिटवीन ऑल थ्री ग्रेट नेशंस नाउ। अब इस ट्वीट की जो भाषा है इस पर अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि अपने छोटे से देश यानी कि नेपाल की जो डिग्निटी सम्मान है उसे बरकरार रखने के लिए उन्होंने नेपाल का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने जो लिखा उसमें पीसफुल और रिस्पेक्टफुल डायलॉग की बात की, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद वो आखिर में आके लिखती हैं बिटवीन ऑल थ्री ग्रेट नेशंस नाउ। अब यहीं पर पेच है, तीन देश कौन, पहला भारत, दूसरा नेपाल और तीसरा देश यहाँ पर मनीषा कोराला जो है चीन को यहाँ पर बताती हैं। और चीन के भारत के साथ क्या संबंध है वो सबको पता है। नेपाल की खुद की लगातार ये कोशिश है किस तरीके से चीन को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए। अब चीन को इन्वॉल्व करने के पीछे के पेच को अगर समझना है तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से विवादित मामले में हमेशा एक पक्ष इस कोशिश में रहता है कि किस तरीके से पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाया जाए। उदाहरण के तौर पर आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मामले को लेकर आप समझ सकते हैं कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। कश्मीर को लेकर भारत का स्टैंड हमेशा से डे वन से यही रहा है, कश्मीर का जो मसला है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही हल होगा, इसका जो कुछ भी होगा वो दो देशों के बीच होगा। जबकि पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में रहता है कि किस तरीके से इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण इस मुद्दे का किया जाए, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था जो है वहां पर जाकर कश्मीर के मामले को लगातार वो उठाता है, अमेरिका के पास जाता है कि कश्मीर के मुद्दे पर आप कुछ बोल दीजिए। चीन पर लगातार इस बात के लिए वो रिक्वेस्ट करता रहता है कि कश्मीर के मामले पर आप भी कुछ बोल दीजिए। तो ये कोशिश हमेशा रहती है और इसी तरीके के पेज को नेपाल भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और चीन को वो लगातार इस मामले में इन्वॉल्व करना चाहता है। अब मनीषा कोराला ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो पूरी तरीके से नेपाल समर्थित है, वो भी तब जबकि मनीषा कोराला ने अपना पूरा करियर हिंदुस्तान की सरजमी पर, हिंदुस्तान की धरती पर बनाया। यहाँ से उन्होंने पैसा कमाया, यहीं से उन्होंने नाम बनाया, सारी शोहरत हासिल की। और कई लोगों को इस बात का अंदाजा शायद नहीं होगा कि वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी कोराला की पोती है। लेकिन जब मौका आया भारत और नेपाल के बीच किसी एक को चुनने का तो उन्होंने सीधे तौर पर नेपाल को चुना। हालांकि इसमें बुराई भी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी जो रूट्स हैं वो नेपाल से हैं, उनका जन्म स्थान है नेपाल। लेकिन बात फिर वही कि जिस मुद्दे के बारे में आपको पूरी तरीके से ज्ञान नहीं उस पर इस तरीके से आकर बोल देना कहां की बुद्धिमानी है। और वैसे भी दोस्तों कहा जाता है कि दो माएं अगर हैं, एक जन्म देने वाली माँ और एक पालने वाली माँ, तो पालने वाली माँ को हमेशा महत्ता ज्यादा दी गई है शास्त्रों में। और उसी तरीके से भारतीय सरजमी पर उन्होंने सब कुछ हासिल किया और उसके बाद में भारत और नेपाल को लेकर जिस तरीके का विवाद है उसमें इस बयान के बाद लोग काफी नाराज हैं। लोग सिलसिलेवार तरीके से उनके ट्वीट पर जवाब दे रहे हैं। ऐसे दोस्तों सवाल उनके साथ काम करने वाले उन लोगों पर भी जरूर उठते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है, क्या उनको खुलकर इस पर नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्रिकेट का एग्जाम्पल लेंगे तो शोएब अख्तर ने जब पीओके में आकर भारत के खिलाफ अभी हाल ही में बयानबाजी की थी तो तमाम क्रिकेटर भारत की तरफ से, खासतौर पर हरभजन सिंह, युवराज सिंह, वो खिलाड़ी जो शाहिद अफरीदी के फाउंडेशन के लिए पैसे देते रहे, उनकी मदद करते रहे, वो खुलकर सामने आए और उन्होंने शाहिद अफरीदी से न सिर्फ हर तरह के रिश्ते को तोड़ने का ऐलान किया बल्कि शाहिद अफरीदी को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। ऐसे में मनीषा कोराला के इस बयान को लेकर, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के बयान को लेकर बॉलीवुड की तरफ से क्या किसी को नहीं बोलना चाहिए, इतना ही दोस्तों। गौर करने वाली बात यह भी है कि मनीषा कोराला कोई डिप्लोमेटिक पद पर नहीं बैठी थी, ना ही वो ऐसी कोई डिग्नेटरी थी जहां पर उनके लिए ये स्टेटमेंट देना जरूरी हो गया था, ना ऐसा कुछ था कि वो किसी प्लेटफॉर्म में या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी और वहां पर पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था। तो जरूरी होता कि जिस मामले के बारे में आपको समझ नहीं है आप उस पर चुप रहें, वो भी तब जब भारत से आपने इतना कुछ कमाया खाया और यहाँ पर इतना सब कुछ बनाया और उसके बाद नेपाल के पक्षपात करते हुए आप चीन, जो कि हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं कहा जाएगा, उसको भी इस मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो क्या बेहतर ना हो कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान के तमाम लोगों को वापस पाकिस्तान भेज देते हैं जब भी विवाद होता है, मनीषा कोराला को भी अब नेपाल का टिकट कटवा लेना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।